हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरसाती लोबिया की खेती के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं हमने बरसाती लोबिया लगाया हुआ है। दोस्तों एक तो इसमें जो है जंगली घास ना उगने दें, जो सीजनल जंगली घास होता है उसको आप प्रॉपर एक दो बार निलाई करवा देंगे, उसके बाद जब प्लांट जो हमारा ये लोबिया का जो पौधा है जब बड़ा हो जाएगा तो नीचे से फिर जब छाया हो जाएगा नीचे तो खुद ही घास नीचे से नहीं जमेगा, जंगली घास नहीं जमेगा। दोस्तों अगर जंगली घास निकाल देते हैं तो आधा रोग तो इसका सब्जियों का जो भी है सब्जियाँ उसका तो आधा रोग निकल जाता है। और दोस्तों इसकी वैरायटी की बात करते हैं तो दोस्तों हमने ये छोटी फली वाली हमने लगाया हुआ है, देख सकते हैं ये भर के पूरा फल आता है। और जो गर्मियों में लगाते हैं वो बड़ी फली वो एक एक फीट का होता है दोस्तों, वो अभी बरसातों में नहीं लगाते हैं क्योंकि अगर बारिश लगेगी तो फिर ये झोंक के ज़मीन पर जाएगा और वो नीचे से मिट्टियों में सड़ जाएगा। तो दोस्तों ये तो हम लगाते हैं ये छोटी फली वाली। दोस्तों इसको लोबिया भी बोलते हैं, फली भी बोलते हैं। दोस्तों ये काफ़ी सॉफ्ट होता है। और दोस्तों हमने दूसरी वैरायटी लोबिया का लगाया हुआ है, ये बेल वैरायटी है। दोस्तों जैसे घिया तोरी का बेल होता है दोस्तों उसी तरह से ये भी दोस्तों लोबिया है, ये भी फ्लावरिंग पे आ गया है, इसमें भी फल लगेंगे। लेकिन दोस्तों इसको जो है हम कोई झाड़ रखेंगे, बैम्बूज हमने ला के रखा हुआ है, बैम्बूज लगा के या तो रस्सियाँ लगा देंगे या तो कुछ इसके ऊपर झाड़ रखेंगे। झाड़ नहीं लगाएंगे दोस्तों तो फिर क्या है कि ये आपस में ये उलझेगा, देख सकते हैं दोस्तों ये आपस में उलझ जाएगा और ये हो जाएगा ख़राब। और जो फल लगेंगे दोस्तों वो आएंगे ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के ऊपर बारिश में फिर वो फली ख़राब हो जाएगा। दोस्तों इसका जो फली बरसात वाली जो ये लोबिया है बेल वैरायटी वाला दोस्तों ये एक एक फीट का होगा, ये फली बड़ा होगा और इसको हम लगाएंगे स्टैंड पे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।